आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बने हुए सरकारी शौचालय का गंदगी से बुरा हाल। गंदगी के अंबार और रखरखाव के अभाव के चलते बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। आदर्श नगर का नगर निगम का शौचालय आने जाने वाले लोगों को बीमारी का बना हुआ है डर। शिकायतों के बावजूद भी निगम की तरफ से साफ सफाई और रखरखाव की नहीं की जाती है कोई व्यवस्था। राजधानी दिल्ली आदर्श नगर में सरकारी शौचालय की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गंदगी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम द्वारा शौचालय की सफाई नहीं की जाती है, इसके कारण शौचालय बदहाल स्थिति में पड़े हुए हैं। आने जाने वाले लोगों को बीमारी का डर भी बना हुआ है। इस बाबत कई बार निगम से शिकायत की गई, लेकिन निगम द्वारा साफ सफाई नहीं की जाती है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शौचालय में गंदगी और अत्यधिक बदबू के कारण लोगों का आना जाना भी दूभर हो गया है। नगर निगम के शौचालय को 2012 में पूरा करके जनता को सौंप दिया गया था। शुरुआती दौर में देखा तो वो भी अच्छा हुआ और लोगों को सुविधा भी मिली, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह शौचालय बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और भी संबंधित विभाग द्वारा रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब शौचालय लोगों के लिए सुविधा कम और दिक्कतों के कारण ज्यादा बन चुका है। आसपास रहने वाले लोग और इस शौचालय को इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी बीमारियों का डर है, क्योंकि गंदगी के चलते जब लोग यहाँ पर आते हैं और शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो कई तरीके की बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। बावजूद इसके ना तो अधिकारियों का ध्यान देते हैं और ना ही निगम पार्षद साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराते हैं। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। मार औरत ने मार पीट के भारत ले जाते पैसे, इनको क्या नाम है, मर रही है और इनको मारते हैं। कहीं हमको रोजगार भी नहीं मिल रहा यार, कुछ बगल में ठेका खुल गया कंपनी, एक नहीं है चार है, ये दो बोतल पे एक बोतल फ्री, एक नहीं है चार ठेके, कौन पीता दारू, औरत बेचारी क्या इंसान दारू पिएगा अपनी औरत को मारता आगे, मार पीट के पैसे इन्हें छिना ले जाते हैं। अब बताओ राशन एक के साथ एक फ्री करो, चावल एक के साथ एक फ्री करो, जब 5 किलो चावल से 10 किलो करो, फ्री कर रखी है ऐसे हर चीज में काटा कूटी करके देते हैं हमें, राशन भी ऐसे देते हमें, गेहूँ में जितना राशन मिलता है उतना। हाँ जी, क्या समस्या हो रही बताइए। समस्या यही हो रही है कि हमारे सबको दिक्कत होता है निकलने बैठने, मंदिर से लेके यहाँ तक का घरों में पानी घुस जा रहा है, घर में पानी आ रहा है, दिक्कत बहुत हो रही है। मेरी लड़की है विकलांग, जाती है शौचालय में गिर जाती है, हम कितना इसको हाथ पैर धुलाऊं बताओ। हाँ, कोई जाती हुई एप्लीकेशन लिखवा के आते, कहते हैं कि जाएंगे जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बोले कि नाला खोदाएंगे, पूरा नाला भटा है लैटरिन की वजह से, तो घर में पानी नहीं है, बड़ा वाला नहीं साफ होता ना, छोटा वाला नाला साफ होता है, क्या सर सफाई नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, कितने टाइम से नहीं हो पा रही है, कर्मचारी गली में लगाते हैं के अंदर, हमारी गली के अंदर कोई कर्मचारी काम करके नहीं, आप बताओ 6-7 साल से नाला नहीं साफ हुआ, 6-7 साल से नाला साफ नहीं हुआ है, आ जाओ हो गया, पानी भरा रहता है हर वक्त 24 घंटे, लैटरिन करने जाते हैं मेरा पानी हर वक्त भरा रहता है, ना निकास है पानी का, ना ये कब से समस्या हो रहा है, ये बहुत दिन हुए साले हुए, 2-3 साल हो गए, क्या ये सफाई कर्मचारी सफाई भी ना होती है, मार दुनिया में गंद फैला पड़ा लेटर, नाली का पानी नहीं, नाली निकली है ना गली के अंदर सारी, 24 घंटे पानी नहीं जाना पड़ता है, कूड़ा उड़ा सब आ जाता है, नेक बारिश होने पर सब पानी भर जाता है गली के अंदर, घरों में जाता है कबर कबर पानी हो जाता है, दो पानी बना ही रहता है यहाँ पे, हमेशा पानी भरा रहता है, हमेशा ही पानी का निकास नहीं, निकास ही नहीं है पानी की, पहले थी निकास, नाली बनी थी वो बंद कर गई, निकासी नहीं है। क्या नाम है? मान सिंह। मान सिंह, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है जी, बरसात हो जाती है यहाँ पानी मंडी तक आता, अंदर चला जाता, पूरे मोहल्ले में गोटे गोटे पानी निकलते, ये साइड में नाली थी
ये नहीं बननी, नाली बननी चाहिए। कचरा आप देख लो कितना पड़ा अंदर, जो कबाड़ा कितना भरा पड़ा, बदबू के मारा रहा नहीं जाता यहाँ तक, बहुत पानी भरता है, सब पानी भर जाता। अब आप देख लो आपके सामने कोई वोट के टाइम पास, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता, कर्मचारी आते बैठ के चढ़ जाते हैं और वोट देते हैं। क्या सर सफाई नहीं होती है? सफाई नहीं होती है। ये कब से ये इस तरह से मामला चल रहा है? क्या क्या दिन में आते सफाई वाले आपके सामने मौजूद है, कतर जाकर देख लो, मधु आपने देखिए यहाँ पे, बस आप ही है करने वाली, यहाँ कोई नहीं आता, सबसे मोहल्ला मोहल्ले में गंदा यही है बस यहाँ पे। इस जगह का नाम क्या बताइए? ये सरा पेपर तला की झुग्गी, सरा पेपर का झुग्गी, सरा पेपर तला की झुग्गी, सोचा दिया है, सोचा एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में आपका मैं क्या समस्या हो रही है, कब से हो रही है? 15 साल हो गए, इस गली में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, नाली खुद अपने से साफ करते हैं, लैट्रिन इतनी गंदी हुई है कि जाना मुश्किल हो रहा है हम लोगों को, लेडीजों को दिक्कत है, कहाँ जाएंगी लेडीज से लैट्रिन करने के लिए, सफाई कोई कर्मचारी है नहीं, इतने साल हो गए लैट्रिन बने हुआ, कोई सीट एक भी ढंग की नहीं है, सारी लैट्रिन टूटी हुई है सीट की टोटली। क्या निगम पार्षद की बात करी जाए या निगम कर्मचारी? निगम पार्षद की भी कमी है, MLA की भी कमी है, MP की कमी है, सबकी कमी है, एक की कमी की वजह से नहीं है, सबकी कमी की वजह से। क्या शिकायत दी है तो शिकायत में क्या आश्वासन कुछ बात हुई आप लोगों से? कोई आश्वासन नहीं मिलता, बस यही होता हो जाएगा कब होएगा, 5 साल बीत जाता, 10 साल बीत जाता, 20 साल हो गया, यही हाल है झुग्गियों का, कौन इसका निवारण करेगा? MP कहता हम करेंगे, MLA कहता हम करेंगे, वोट के समय निगम पार्षद कहता हम करेंगे, कौन करेगा पहले ये मुझे बता दो, वोट लेने के लिए तो सब है, करने के लिए कौन है? तनख्वाह तो फोकट की मिल रही है, बिस्लेरी का पानी वो पी रहे हैं, AC के रूम में वो बैठ रहे हैं, जनता भुगत रही है ना। क्या यहाँ जो बात करी जाए कि सुविधा की बात करी जाए, क्या पानी टाइम टू टाइम आ पाता है? पानी तो बड़ी मुश्किल हो रहा, पीने वाला तो पानी आ ही नहीं रहा है। अच्छा, तो कैसे आप लोग गुजर बसर करते हैं? खरीद के पी रहे हैं। दिल्ली सरकार तो बिजली फ्री, दिल्ली सरकार तो बिजली फ्री पानी फ्री कर रखा है, क्या पानी की सुविधा मिल पा रहा है? गर्मियों में पानी नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। तो कैसे आप लोग गुजर बसर करते हैं? खरीद के। क्या नाम है? सीताराम। सीताराम जी, क्या है मामला पूरा बताएं? हमारे मामला यही है कि न हम लोग के यहाँ रहने को लायक नाली है, ये सब कुछ भी है, इसकी बाद में ना कोई खाने का, ना पीने का, ना राशन का, ना पार्टी का, कुछ भी नहीं दे रहा है, ना कुछ भी कर रहा है। और पानी के इतने इतने पानी में डोल करके जाता हूँ आता हूँ, क्या करे भाई? क्या है सर, सफाई नहीं हो पा रही? सर सफाई नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या कारण हो रहा है सर? सफाई नहीं होने का क्या कारण है? क्या कारण है? जीता सफाई वाला से फ्री पैसे लेते। क्या नाम है आपका? सरला जी, क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला यही है, लैट्रिन बहती है दरवाजे के सामने, अभी पानी बहता है, घुटघर पानी है जाता है, अभी थोड़ी देर बाद देखियो इतना पानी होगा इसमें, चल करना मुश्किल है जाता, खाना पीना खाना मुश्किल है जाता, लैट्रिन का पानी और लैट्रिन का पानी है जी, दरवाजे के सामने दरवाजा है हमारा। सर सफाई नहीं हो पा रही है? सफाई नहीं है रही है, कब से कहाँ से करे साफ सफाई? क्या नाला साफ कराने, आप नाला साफ होगा में चला जाएगा, नाला नहीं बनता तो ये पानी सब नाले का पानी घरों में जाता है अंदर। क्या ये नाली की बात करी जाए तो नाली का सर सफाई नहीं हो पा रही है? नाला कोई सफाई नहीं हो रही, सारा नाला बंद पड़ा, सारा बंद पड़ा, सारा नाले का ये कुछ नहीं। अगर विधानसभा की बात करी जाए तो कई महीनों से कई सालों से लोग समस्या से जूझ रहे हैं, बाकी यहाँ के स्थानीय विधायक या निगम पार्षद की बात करी जाए तो इस मामले पर संज्ञान नहीं लेते हैं। आखिर हम एक बार दिखाना चाहते हैं, ये देखिए शौचालय जो बना है MCB का, इसमें नरकीय जीवन जीने से मजबूर है क्योंकि वहाँ से गंदगी निकाल कर बाहर रख दिया जाता, बाकी सालों साल हो जाता सब सफाई नहीं होता। यहाँ के स्थानीय लोगों के क्या कहना है, कई बार शिकायत दिया गया है विधायक और निगम पार्षद के, बाकी इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं ले पाते हैं। आखिर यहाँ का जनता के एक बार जनता का दिखाएं कि जनता देखिए किस तरह से रोड पर आ चुकी है, बाकी यहाँ के स्थानीय लोग की कहना है कि कई बार शिकायत दिया गया है, बाकी यहाँ कोई भी इस मामले पर संज्ञान नहीं ले पाए हैं। लगातार इस जगह की बात करी जाए तो कई बार विधायक और निगम पार्षद से शिकायत करी गई है, बाकी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई।
भाई लगातार जनता से जो भी आ रही है और जनता के कहना है कि इस मामले के जल्द से जल्द सर सफाई कराया जाए और यहाँ की समस्या है जो नरकीय जीवन जीने से मजबूर है। लेकिन यहाँ के अभी तक कोई भी अधिकारी एमसीडी के अधिकारी की बात करी जाए या विधायक की बात करी जाए, निगम पार्षद की बात करी जाए, तो कोई भी इस पे मामले पर संज्ञान नहीं ले पाए हैं। संजय सिंह, दिल्ली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।